हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अभी मैं बेड से उठी हूँ। लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट थी आपसे कि मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ कि किस तरह से मॉर्निंग रूटीन में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेड से उठने के बाद आपको अपने तांबे के जग में पानी पीना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, तांबे का पानी कभी भी स्टील के जो है वो ग्लास में डाल के आपको नहीं पीना है। आपको तांबे का पानी तांबे के ही जग से पीना है या फिर तांबे के ग्लास में डाल के पीना है। ढेर सारा पानी पीना है और इतना पानी पीना है कि पेट भर लेना है। 2 से 3 ग्लास आपको इतना पीना है कि मॉर्निंग में आपको पेट भर लेना है। उसके बाद आप ब्रश करिए, फ्रेश होने जाइए, नहाने जाइए। सारी चीज़ें करने के बाद मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, सारी चीज़ें आज करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए आपको चाहिए गर्म पानी और एक लेमन यानी कि नींबू, और नींबू छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तो 2 लेमन आप ले लीजिए, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी में आपको नींबू का रस मिल जाए। देन उसके बाद आपको चाहिए अदरक। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इनफ है। जिनको लेकिन पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिनको भी पाइल्स की दिक्कत रहती है वो अदरक को स्किप कर दें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छे से घिस के आपको 1 से 1.5 स्पून अदरक का जूस लेना है। ठीक है, तो जैसे ऐसे मैं करती हूँ कि मान लीजिए हफ्ते भर मैंने ये ड्रिंक लिया, फिर हफ्ते भर मैं कोई दूसरा, मतलब 1 वीक का टारगेट मैं लेके चलती हूँ। इससे मेरी बॉडी किसी भी ड्रिंक पर एडिकेटेड नहीं होती है और ऐसा नहीं है कि वो वर्क करना बंद कर देती है, जिससे कि वो वर्क करना भी प्रॉपर स्टार्ट रखती है। तो जूसी वाली अदरक लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और उसका अच्छे से आपको जो है वो रस निकाल लेना है इसी ड्रिंक में। और इस ड्रिंक को आप जो भी खाली पेट दवाई खाते हो, जैसे कि मैं थायराइड की दवाई लेती हूँ, आप उस दवाई के साथ इस मॉर्निंग ड्रिंक को इंजॉय करिए। और इस ड्रिंक के बाद आपको अगर एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करिए, चाय लेनी है चाय लीजिए। जैसे मैं इस ड्रिंक के बाद चाय पीना प्रेफर करती हूँ 15 मिनट के बाद ही आप कुछ करिए। फ्रेंड्स, आफ्टर 15 मिनट मैं जो है वो चाय लेना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज बिना चाय के मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है। और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ स्लिम नेस्ले का मिल्क यूज़ करती हूँ। जैसे मेरी चाय पीने की आदत थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल से, तो मैंने इसका भी एक अच्छा सा फंडा निकाल लिया कि मैं स्लिम वाला मिल्क यूज़ करती हूँ। और एज़ यू नो, शुगर मैं कभी लेती नहीं हूँ। इसका प्राइस 1 लीटर का 83 है, जो आराम से 3 से 4 दिन मेरा चल जाता है। तो इस और मैं मॉर्निंग में सिर्फ हाफ कप टी ही लेना प्रेफर करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं लेना नहीं प्रेफर करती। और उसी के बाद से मेरा दिन स्टार्ट होता है। और चाय के 15 से 20 मिनट बाद मैं योगा करना, कुछ स्ट्रेचिंग करती हूँ, कुछ योगा करती हूँ। योगा मतलब मान के चले 30 से 35 मिनट मैं अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देती हूँ। तो यहाँ पे हाफ कप मैं टी लेना प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में, और उसके बाद ही कुछ मेरा स्टार्ट होता है। सो मॉर्निंग ड्रिंक देखा और मेरी टी भी देखी, हाफ कप टी। मतलब एक आदत होती है सबको, और मेरी भी आदत है कि बिना चाय के मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन उसका भी मैंने एक अल्टरनेटिव निकाला, जो मैं मिल्क यूज़ करती हूँ वो भी मैंने आपको शो किया। और जस्ट मैं थोड़ा सा इसलिए भी अभी जो है आपको ऐसा दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी योगा करके उठी हूँ और 30 से 35 मिनट की मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, योगा करती हूँ। और उसका भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी कि कौन कौन से योगा सेक्शन मैं स्टार्ट करती हूँ। देन योगा करने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है, वो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मेरी मॉर्निंग चलती रहती है। तो अभी जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, इस चिल्ला को बनाने के लिए आपको बेसन चाहिए, और बेसन कम क्वांटिटी में चाहिए, सोया आटा चाहिए। मार्केट में फ्री होकर अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो जो सोया के सीड्स आते हैं उनको पिसवा के आप उन्हें घर में रख लीजिए। तो फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ फाइबर आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग वेजीज, मसाले, सारी चीज़ें ऐड करके
अच्छे से इसको बैटर रेडी कर लीजिए। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा नॉर्मल से, बिकॉज बेसन भी है और सोया भी है, तो दोनों जो है पानी ज़्यादा लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी वेजीज अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर ही डाला है, और अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट हींग, जीरा और मसाले डाले हैं। और हींग ध्यान करके ज़रूर डालिएगा, बिकॉज ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही हेल्दी रखेंगे। तो इसलिए मैं जो है जीरा हींग ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ कोई भी चीज़ हो, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत हेल्दी रखते हैं इसमें पानी को अच्छे से मिला के। और हाँ, एक चीज़, मैंने अभी रिसेंटली बंडर साहब का तवा मंगवाया है, वो वाकई ही जो है विदाउट ऑयल आपका जो है चिल्ला बनाता है। मैं आपको दिखाऊंगी भी बना के, बस हल्का सा एक से दो बूंद ऑयल डालने के बाद मैंने दोनों चिल्ला विदाउट ऑयल बनाया है, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया है, और मैं जल्दी ही इसकी जो है कढ़ाई भी मंगवाने वाली हूँ। तो आप भी देख लीजिएगा कि अगर आप भी विदाउट ऑयल खाना पसंद करते हो या लेस ऑयल में खाना कुकिंग करना पसंद करते हो, तो ये रेंज आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा बंडर साहब का तवा है, ना ही इसमें नॉनस्टिक निकलने की प्रॉब्लम है, ना ही कुछ है। और मैं, जैसा कि आपको पता है, हमेशा से ही जैतून का तेल यूज़ करती हूँ अपने खाने में, और 4 to 5 जो है बूंद ही इसमें डालूंगी, और प्याज की हेल्प से उस ऑयल को। अब मैं इसके बाद एक बूंद भी ऑयल इसमें नहीं डालूंगी, और दोनों चिल्ले बना के अच्छे से रेडी कर लूंगी। तो आप ये देखिए कि विदाउट ऑयल ये कुकिंग कैसे करता है, और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में। बनाने के बाद मैं अपने फेवरेट प्लेस पे आ गई हूँ, और मुझे यहाँ पे बैठना बहुत पसंद है। जब भी मेरा फ्री टाइम होता है, मुझे कुछ भी लैपटॉप पे काम करना होता है, मुझे लोगों के डाइट प्लान रेडी करने होते हैं, या मुझे कुछ भी, जब भी मुझे लगता है कि मैं शांत बैठना चाहती हूँ, मेरा दिमाग काम करे, उस समय ये अपने फेवरेट प्लेस को चुनती हूँ। और ये दो है मेरे बेसन, बहुत ही थोड़ा सा है आपने देखा, और सोया जो है, सोया का आटा, वो ज़्यादा है। मार्केट में आपको फ्री होके मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर आप पिसवा भी चल सकते हैं, जो सोया के बीज आते हैं आप उनको भी पिसवा के उसका आटा रख सकते हैं। और ये सबसे हेल्दी जो है आपका फाइबर ब्रेकफास्ट है, आपको फाइबर मिलेगा इसमें, आपको जितनी भी ज़रूरत है प्रोटीन की वो मिलेगी। यम्मी ब्रेकफास्ट होता है ये, आप इसके साथ चटनी ले सकते हैं, आप इसके साथ लौकी की सब्जी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं आराम से। और बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाइए, तो दिस इज़ माय मॉर्निंग रूटीन। और इस ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद मैं अपना चिया सीड ड्रिंक लूँगी, वो मैं इंक्लूड करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अपना
मेरा जो आफ्टरनून रूटीन है उसमें ऐड करूँगी, और मेटाबॉलिक ड्रिंक भी उसी में करूँगी। तो मतलब यहाँ तक मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि मैं मॉर्निंग से उठने के बाद ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बैलेंस लाइफ स्टाइल को अपनाने से आपका फेस भी काफ़ी अच्छा रहता है, आपकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी रहती है, आपकी लाइफ स्टाइल एकदम अच्छी रहती है। माइंड सेट रखिए, कुछ भी उठा के मुंह में मत डाल लीजिए, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाते रहिए, ऐसा नहीं है कि बिना खाए आपका वेट लूज हो जाएगा, खाते ही खाते ही खाते अपना वेट लॉस करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।